mashed sweet potato, breadcrumb, peanut powder, chopped coriander leaves, chili flakes, green chilies chopped, salt to taste. अब इस mashed sweet potato में हम add करेंगे green chilies, finely chopped, coriander leaves, bit of chili flakes, क्योंकि हमने इसमें green chili भी add किया है तो आप उस हिसाब से डालिए. यहाँ मैं ले रही हूँ 3 tablespoons of peanut powder. Salt to taste. अब हम इसे mash करेंगे. मैंने इसे mix कर लिया है. अब इसमें हम breadcrumb add करेंगे. Breadcrumb मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लूँगी. ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कीजिए या आप नहीं भी डाले तो चलेगा. अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं. ये मिक्स बन के बिल्कुल रेडी है. अब मैं इसके कटलेट्स बनाऊंगी. कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं. आज मैंने राउंड शेप के बनाए हैं. आप चाहे तो कोई भी शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो ये मैंने पैन यहाँ पे गरम करने रख दिया है. अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी. थोड़ा सा फैला लें. अब हम कटलेट को रखते हैं. इसे हमें कुछ देर के लिए इस तरफ पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट. उसके बाद हम इसे पलटेंगे. एक साइड से ये हो चुका है परफेक्ट. चलिए हम इसे फ्लिप करते हैं. जल्दी से टर्न कर लेते हैं. इसी तरीके से हमें इसे दूसरी साइड से भी पकाना है. ये दोनों तरफ से अब ब्राउन हो चुके हैं, एकदम रेडी है खाने के लिए. चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं. स्वीट पोटैटो कटलेट्स आर रेडी. आप जब भी इसको व्रत के लिए बनाएं, इसमें से ब्रेड क्रम्ब को स्किप कर दीजिए. थैंक यू.